मैडम जी, मैडम जी एक मूर्ति ले लीजिए ना, छठ पूजा आ रही है, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 150 रुपए की है। अरे भाई हमें कोई मूर्ति नहीं खरीदनी है, यहाँ जाके बैठो, जाओ चलो पूजा। मैम साहब सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बेची है, घूम घूम के थक गया हूँ। तो आप घूम घूम के क्यों मूर्तियां बेच रहे हैं? देखिए मैम साहब, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं कोई दुकान लगा के बेच सकूं। तो भगवान की दया से घूम घूम के ही कुछ मूर्तियां बिक जाएं, कि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि मैं गांव की टिकट लेकर इस बार छठ पूजा अपने बच्चों के साथ मना सकूं। गांव मतलब? आप यहां अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हो? नहीं मैम साहब, बच्चे तो मेरे गाँव में ही रहते हैं। पिछले साल भी छठ पूजा मैंने बच्चों के बिना ही मनाई थी, इस बार कुछ पैसे इकट्ठे करके छठ पूजा बच्चों के साथ ही मनाना चाहता हूँ। अगर आप एक मूर्ति ले लेते तो मेरी मदद हो जाती। मैं एक मूर्ति ले लेती। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद। ये लीजिए और 50 रुपए आप रख लीजिए, त्योहार का समय है। खाना टाइम से बना देना आज। अरे ये तो वही अंकल है ना जिनसे हमने कल मूर्ति खरीदी थी। हाँ ये तो वही है। अंकल आप घर नहीं गए, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी जाना तो चाहता था लेकिन जा ही नहीं पाया, वो पैसे ही नहीं हुए। अभी भी किसी से पैसे ही उधार मांगने गया था मगर मिले नहीं। इस बार की छठ तो आप अपने बच्चों के साथ मनाना चाहते थे। क्या करता मैडम जी, मूर्तियां बिकी नहीं, पैसे इकट्ठे नहीं हुए। अब देखिए ना, आजकल तो हर कोई बड़े बड़े मॉल में जाकर खरीदारी करना चाहता है, मुझ जैसे गरीब से जो रोड पर मूर्तियां बेचता है कोई मूर्तियां खरीदना ही नहीं चाहता। देखिए आप दिल छोटा मत कीजिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस बार की छठ पूजा आप अपने परिवार के साथ। आपकी दुआ है साहब। अंकल जी। अरे साहब जी, मैडम जी आप यहाँ, मेरा घर कैसे मिला आपको? वो हमने आसपास के लोगों से पता करा तो उन्होंने बता दिया। और छठ की शुभकामनाएं। ये क्या है मैडम जी? ये ट्रेन की टिकट है इटावा तक की, आप इस बार छठ अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं। साहब जी ये टिकट मतलब क्यों? हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं है, हम जानते हैं बिना बड़ों के त्योहार मनाना कैसा होता है, और हम नहीं चाहते आपके बच्चे अपने पापा के बिना त्योहार मनाएं। सही बात है, त्योहार पे किसी बड़े का आशीर्वाद ना होना ये हमसे बेहतर कौन ही समझ पाएगा, तो बस इसीलिए छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से रख लीजिए। साहब जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप बस सामान पैक कर लीजिए फटाफट। रोइए मत, आपकी आज रात की टिकट है, हम आपको स्टेशन छोड़ देंगे। मैं बस अभी सामान लेके आता हूँ।